बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसम व जगत हितकारने अस्त तस्नीब साधनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़ यह जगत हितकारने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में साहब की प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहर वैसाखुदी 12 सम्मत 1965 अनूपदास महाराज ने ये सावनी एरमपुरा में किताब छाप के जाहिर किया है जो दुनिया के भलाई के लिए संसार के बच्चे बचने के लिए सो हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज वगैरह इस बात को पुरका दिल के समझो और इसकी चर्चा गांव गांव और शहर शहर में अपनी अपनी जुबान से करते रहो कि जिसकी तलाश में विलाद के कुल अंग्रेज है कि ऐसी कौन सी बात साल बर साल होती है जो करोड़ों आदमी हैजा और प्लेग वगैरह की बीमारी से मर जाते हैं। सो इस बात में साथ अनूपदास हकीमों और तबीबों और डॉक्टरों को और सब संसार को वाकिफ करता हूँ। सो जिसका बंदोबस्त तमाम जान के हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए किताब जगत कहानी पढ़ के बंदोबस्त करो वो यह है कि ज़मीन के दुबली हो जाने का और मर्द औरतों को कच्ची उम्र में मारने का और हवा ज़्यादा चलने का और दरख्तों को ज़मीन से उखाड़ने का और बरसात ज़मीन पर ना होने का और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने का और पर स्त्रियों से भोग करने का और जानवरों से बुरे काम करने का और औरतों को बे औलाद रखने का यह पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर ये पाप कराते हैं। जिस तरह का ये पाप कराता है इसी तरह का बुरा होता है। सो साधनोपदास इस बात को क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या अंग्रेज क्या सातों आठों विलातों के लोग इस किताब को अपने जीव के मापिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताबें छपा के संसार में जाहिर करना। किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है सब मालिक के ऊपर थोपते हैं और मालिक को दोष देते हैं। मालिक ऐसा रहम वाला है वो किसी जात को किसी तरह का दुख नहीं देता है। पहले भी जमाने में रावण हिरण्यकश कंस कारुण बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था इसी तरह से अभी राक्षसी पाप चल रहा है वो कलुकाल के नाम का पाप चल रहा है वो अनूपदास महाराज ने किताब जगत कारणी में छाप के जाहिर किया है। सो क्या हिंदू क्या मुसलमान अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इस किताब जगत कारणी को पढ़ के बंदोबस्त करो जब तुमको अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों।